फंडिंग को मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। वॉर डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपिक है इसके अंदर हमें नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारे पास में दो टॉपिक रहेंगे जिसमें यूनिफिकेशन होगा एक जर्मनी का और सेकेंड होगा इटली का, इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत से हम कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है नेशनलिज्म। सबसे पहले आपको इसी कॉन्सेप्ट सारे जो भी चीजें इस लेसन से जुड़ी हुई है वो इसी वर्ड से जुड़ी हुई है, क्योंकि नेशनलिज्म हुआ जिसकी नेशनलिज्म में एक फीलिंग आई तो उससे क्या हुआ यूरोप के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले, नेशनलिज्म हुआ उसकी वजह से हम देखेंगे आगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिला, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगे बढ़ा तो उसमें यूनिफिकेशन के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जो भी चीज़ें होती इसी वर्ड से जुड़ी होती है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा है क्या नेशनलिज्म, क्या चीज़ें आती है नेशनलिज्म में, या इसका क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म को स्टार्ट करने से पहले इसकी जिसको सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और लव डेडिकेशन सैक्रिफाइस फॉर नेशन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म, इसको देख के पहले आप समझिए। अगर ऐसा सिंपली अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए कि अगर जो हमने डेफिनेशन इसके अंदर लिखी है सिंपल लैंग्वेज है सिंपल वर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कहने का मतलब होता है किसी भी आगे देखा फोर नेशन नेशन के लिए ध्यान रखना इसमें कि जो नेशंस होता है नेशन मीन्स कंट्री हो सकता है जहाँ पर अपन रिसाइड करते हैं तो किसी कंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, चाहे वो लव की हो चाहे वो डेडिकेशन की हो चाहे वो सैक्रिफाइस की हो, ये सारे वर्ड्स जब मिलते हैं किसी नेशन के लिए, सारे फीलिंग्स जब किसी नेशन के लिए मिलती है या किसी नेशंस के लिए हम ये चीज़ें रखते हैं तो वो आपके नेशनलिज्म की कैटेगरीज के अंदर आता है। और इस तरह के सर्कमटेंसेस हमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्टार्टिंग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिले थे, और इसका जो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका कह सकते हैं जो फर्स्ट जिसका एक्सप्रेशन है कि भाई ये चीज होती है, तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी आपके 1789 इसमें देखने को मिले थे कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, हम जहाँ भी रहते हैं हम जिस जगह रिसाइड करते हैं उस कंट्री के लिए हमारे लिए कुछ स्पेशल बाउंडेशन होना चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो नेशनलिज्म का किसी कंट्री के लिए डिवोशन की फीलिंग सेक्रीफाइस की फीलिंग वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिली थी और जो हुई थी 1789 के अंदर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि भाई जैसे कि हम देखेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में यूरोपियन पूरा कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग कह सकते हैं अपन, जैसे कुछ कैंटोन्स हो सकते हैं कुछ रॉयल्टीज हो सकती है कुछ डचेस हो सकते हैं कुछ स्टेट उसमें डिवाइडेड था, यानी जो एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था कि भाई हमारे पास जैसे भी एक कंट्री फ्रांस है जर्मनी है इंग्लैंड इस तरह का सर्कमस्टेंसेस नहीं था, अलग अलग किंगडम हुआ करते थे अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग जैसे रहा करते थे, और बताया जा रहा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज थी, कहने का मतलब इनके कास्ट ग्रुप अलग थे किसी के ट्रेडिशंस अलग थे किसी के कस्टम्स अलग थे, रहते एक जगह थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती थी। अगर और देखा जाए इसके अंदर जैसे कि अगर अपन थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि अगर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बात करते हैं कुछ लोग जिससे लैंग्वेज बेस पर बात करते हैं अपन, तो कुछ लोग यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, कुछ लोग जो आपके पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, कुछ लोग थे जो आपकी इटालियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, भी वहाँ की कॉमन लैंग्वेज थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की जो लैंग्वेज का वहाँ पर लोग यूज़ करते थे। इनके अंदर जो एक कॉमन थिंग थी, कॉमन थिंग का मतलब कह सकते हैं कि हाँ ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, एक जर्मन यूनियन है एक इटालियन एम्पायर है अलग तरह के एम्पायर, तो उनके अंदर वहाँ के लोगों के अंदर जो कॉमन एक जो थिंग्स थी या एक कॉमन जो कॉमन थिंग थी जिससे अपन कह सकते हैं इनके बीच में यूनिटी हो सकती है वो थी इनके एम्पायर के लिए इनकी रिस्पेक्ट,
ये इक्वली इम्पर जो वहाँ के एम्परर था उनकी रिस्पेक्ट क्या करते थे, कोई भी ऑर्डर अगर इश्यू करता था एम्परर तो उन सब वहाँ के सभी लोग थे, चाहे अलग कास्ट के हो अलग ट्रेडिशन के हो कस्टम के हो, उन लोगों को चीज़ क्या करनी पड़ती थी, फॉलो करनी पड़ती थी। ये उस समय का टाइमिंग है जब जिस समय यूरोप के अंदर जो आपके नेशनलिज्म की फीलिंग हम यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। अब हम पढ़ेंगे आगे जैसे कि इसके अंदर क्या है, नेशनलिज्म हुआ क्यों भाई है, तो हम पढ़ेंगे आगे वाला कोजेस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के कोजेस क्या थे, भाई नेशनलिज्म होने के पीछे वजह क्या थी, क्या चीज थी, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे एक जो पहला रीजन था वो आ रहा है इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। स्टार्टिंग में देखोगे तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम देखो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आप यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के जो स्टेट थे, स्टेट का मतलब अलग अलग कास्ट के लोग थे। सबसे पहले जो आपके रॉयल क्लास या कह सकते हो आप क्लर्क ही क्लास कह सकते हो, यानी इसमें जो फ्रेंच की बात करें अपन फ्रेंच एम्पायर की, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लर्क ही आया करते थे। सेकंड के अंदर जिसमें आपके लैंड लॉर्ड या फिर आपके रॉयल पर्सन जो भी है जिसमें किंग वगैरह वो हुआ करते थे, और थर्ड पे थे ज्यादा अगर आपके पीजेंट क्लास, पीजेंट्स हो गया लेबर और बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन या ट्रेडर्स अगर वगैरह वो इस कैटेगरी में रहते थे। फर्स्ट क्लर्क क्लास थे, फ्रेंच की बात करें फ्रेंच एम्पायर की बात करें अपन, तो यहाँ क्लर्क क्लास जिसमें आपके प्रिस्ट हो गए जैसे पोप हो गया फादर वगैरह अगर वो आते थे। सेकंड थे आपके सेकंड स्टेट जिसके अंदर लैंडलॉर्ड या रॉयल पर्सन आया करते थे। थर्ड में जैसे कि आपके पीजेंट हो गया, लेबर हो गया या प्रोफेशनल शॉपकीपर वगैरह वगैरह जो भी थी वो सभी चीजें इसके अंदर तीन अलग अलग स्टेट थे। इनका परसेंटेज आप जानते हो बहुत कम थे, नम जो अपन पढ़ेंगे आगे ये 1% के नंबर में थे, लेकिन पावर इनके पास में ज्यादा थी। ये लैंड लॉर्ड रॉयल थी ये भी ओनली अप्रोक्सीमेट 1 या 2% समथिंग परसेंट सही है, लेकिन इनके पास में पावर थी, राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे। बाकी जो 97% जो पॉपुलेशन थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की वो पीजेंट लेबर और बिजनेसमैन हुआ करते थे, और इनके पास में वो राइट नहीं थे। तो बताया जा रहा है इस तरह का सर्कमस्टेंस लगातार यूरोपियन कॉन्टिनेंट में चलता आ रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, एक कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस होते थे जैसे पता था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है नेशनलिज्म में। तो बताया जा रहा था ज्यादा का जो पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर इस टॉपिक को बेच कर कर रहा हूँ, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास ज्यादातर यूरोपियन कॉन्टिनेंट हुआ करता था। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो कह सकते अपन चाहे जो आपके क्लर्क भी कह सकते हो या लैंड लॉर्ड कह सकते हो, इसको अपन एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेटिक क्लास है जिनके पास प्रिविलेज हुआ करते थे, स्पेशल राइट हुआ करते थे, उनका डोमिनेंस था चाहे पॉलिटिक्स में देख लो चाहे सोसाइटी के अंदर देख लो। हालांकि अपन कह सकते हैं मैंने बताया पहले उनका नंबर बहुत लेस था, नंबर जो बहुत ही कम था, लेकिन बताया जा रहा है उनके पास में पावर थी वो ज्यादा हुआ करते थे। अगर दूसरी तरफ बात करें मेजोरिटी की, मेजोरिटी का मीन्स कह सकते हो अपन ज्यादा नंबर, मेजोरिटी थी वो पीजेंट की लेबर और बिजनेसमैन, मेजरली पीजेंट कह सकते हो, पीजेंट की जो मेजोरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके पास में कोई राइट नहीं थे। ये हम पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और बताया जा रहा है यहाँ पर जो कुछ आगे हम चेंजेस देखने को मिलेगा वो मिलेगा जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है। बताया जा रहा है एक यूरोप का जो यूरोप है, यूरोप का देख सकते हो आप जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस देखने को मिला था। यहाँ बताया जा रहा है कि जो ट्रेड कॉमर्स उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा कैसे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन का इमरजेंस हो गया था, कहने का मतलब है जैसे कि पहले तो अलग अलग एरिया में लोग डिवाइड थे। अब जैसे इंडस्ट्री का सेटअप हुआ कि जैसे हमने एक इंडस्ट्री को यहाँ पर सेटलमेंट किया, तो इंडस्ट्री को सेटलमेंट करेंगे तो जो लोग थे जिन्होंने क्या हुआ जैसे अपन पढ़े इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे अपन, तो वहां पर जब नए नए जो फैक्ट्री से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो लोगों ने अपने जो पुराने ट्रेडिशन से अगला वगैरह जो भी उनके ट्रेडिशनल जो तरीके थे या ऑक्यूपेशन थे उनको उन्होंने लेफ्ट कर दिया था। तो जब इंडस्ट्री यहाँ पर रन होने लगी तो काफी ज्यादा पर्सन थे वो यहाँ से भी आने लगे, यहाँ पर इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए लाए गए, अलग अलग एरिया से लोग हैं
तो उन्होंने भी क्या किया, इसी जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया कि रोज वहां से वहां कौन जाएगा, अपन यहाँ से 10 लोग आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से अलग अलग जगह से आए, तो उन्होंने यहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया। और जिसकी वजह से बताया जाएगा नई सिटी का इमर्जेंस हुआ, नई नई सिटी का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा बताया जाएगा ट्रेड और कॉमर्स था, उनमें भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया था यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के थ्रू ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज्यादा पढ़ाया गया था। और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नई क्लास का डेवलपमेंट हुआ था, एक नई, एक रिच क्लास कह सकते हो, एक नई मिडिल क्लास, नई क्लास थी मतलब सोशल क्लास थी, उसका डेवलपमेंट हुआ। और उसी को अपन कहते हैं मिडिल क्लास, यही मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ था। और ये मिडिल क्लास ऐसे क्लास है जिसका जो अपना फाउंडेशन किसी को रहती नहीं थी ना, कोई मतलब बिल्कुल जो इम्प्रेटर और जो प्रिस्ट हुआ करते थे उनके कंट्रोल से थोड़ा ये बाहर थी। तो जब बाकी लोगों ने देखा कि भाई ये क्लास है जिन्होंने मतलब अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ वर्क करना स्टार्ट किया, तो इनकी लाइफ एकदम बिल्कुल लग्जरियस हुआ करती थी, तो बाकी लोगों ने देखा इनको फॉलो किया, ये भी एक रीजन है। इसके अलावा बताया जा रहा था जैसे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, तो कुछ जो प्रीस्ट वगैरह हो गया, इंटर हो गया, उन्होंने जितने भी लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड से उनके भी राइट्स क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब जब राइट्स उनके भी खत्म कर दिए, उनके प्रिविलेज खत्म हो गए, तो उन्होंने भी मिडिल क्लास को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उन सभी ने मिलकर भी बताया जा रहा है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ का मोनार्की सिस्टम है, प्रीस्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है, चर्च के जो ट्रेडिशन है ना, तो उनका क्या करना, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से कह सकते हैं एक नेशनल लेवल की फीलिंग थी, यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। ये पहला रीजन हम बता सकते हैं। सेकंड जो आपके रीजन आता है वो आता है आपके लाइबर लीज में, तो अपन देख सकते हैं। लाइबल लीज में नेस्टल लीज में बताया जा रखा है लाइबल, सॉरी लाइबल नेस्टल लीज में भाई क्या है, क्या लाइबल नेस्टल लीज में, तो सबसे पहले अपन उनको समझने के लिए नेचर लीज तो आप जानते हो जिसकी रेफरेंस ऊपर लिखी हुई है। लाइबल का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि लाइबल, लाइबल लीज का मतलब होता है फ्रीडम एंड इक्वेलिटी। लाइबल लीज में का नेम आते हैं आप समझ लेना चाहिए आपको कि ये क्या चीज बताना चाह रही है। आपको दो चीजें बताना चाह रहे हैं कि फ्रीडम इंडिविजुअल कि पर्टिकुलर पर्सन के, एक इंडिविजुअल पर्सन की एक फ्रीडम होनी चाहिए, और साथ साथ में मतलब इक्वलिटी, उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये आपकी चीज ये कॉन्सेप्ट होता है वो मैं लाइबल लीज में देता है। और जितने भी लाइबल लिस्ट है उस समय जो मतलब थोड़ा बहुत लाइबल यानी समझ जाओगे आप, थोड़ा बहुत फ्रीडम के अंदर थोड़ी बहुत इक्वलिटी को ट्रस्ट करते हैं, तो जितने भी लाइबल लिस्ट हैं उन्होंने उस समय इस चीज को फोकस किया था यूरोपियन कॉन्टिनेंट में चेयरमैन स्पीच के थ्रू, कि जो एक इंडिविजुअल होता है, कोई भी पर्सन होता है, पर्टिकुलर पर्सन, उनको उनकी फ्रीडम यानी उनको कुछ उनके पास में राइट होने चाहिए, उनको कुछ ना कुछ जैसे स्पीच देने की, राइटिंग लिखने की, इनको उनके पास में फ्रीडम होनी चाहिए। और आगे देखते हैं इक्वलिटी की, जो लो के सामने, फ्रंट ऑफ लो के सामने मतलब कह सकते हैं सभी पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट था वो आपके लाइब्रेरी लिस्ट के थ्रू मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों तक पहुंचाया गया था। अब अपन इकोनॉमिक जो अगर वहां पर बात कर ले कि जैसे इसमें ये भी आ रहा है कि इकोनॉमिक लाइब्रेरीज में इसमें सर इसमें आप कह सकते हो कुछ इकोनॉमिक लाइबिलिटीज में अपन निकाल सकते हैं कि थोड़ा वो जो फाउंडेशन है यानी कहने का मतलब वो थोड़ा यहाँ पर कम होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि जैसे मार्केट को यानी फ्री ऑफ मार्केट मार्केट को आपकी देखो, इसके अलावा जो अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शन थे दो चीजों पर इन्होंने फोकस किया था कि एक तो मार्केट को बिल्कुल फ्री रखे कि स्टेट्स के यानी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बाउंडेशन से मार्केट को फ्री रखा जाए। उसके अलावा जो भी मतलब कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या वहाँ के लोकल जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन
साहब उनके द्वारा जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, जो बाउंडेशन है, टैक्सेस हैं, उनको भी मतलब यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके इकोनॉमिक लाइबिलिटीज के थ्रू दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि जैसे कि जो आपके पूरा जर्मन एम्पायर था, जो पहले बाद में पढ़ेंगे अपन, तो वहां पर क्या था कि एक ऑलमोस्ट बताया जा रहा है नेपोलियन के थ्रू, नेपोलियन अपनी पॉलिसी के थ्रू बताया जा रहा है, टोटल 300 से भी ज्यादा जो जर्मन एम्पायर हुआ करता था, जर्मन एम्पायर को 300 से ज्यादा स्मॉल और बिग स्टेट में था, तो ठीक है ना। तो वहां पर क्या कहा नेपोलियन ने, उन सभी को मर्ज कर दिया, टोटल 39 जो आपके एक ग्रुप बना दिया, 39 जो आपके फेडरेशन कह सकते हो, 39 फेडरेशन के एक पूरा जर्मन एम्पायर का उसने एस्टेब्लिश कर लिया था। और बताया जा रहा है जब इनिशियली 1834 के अंदर प्रेसा के द्वारा एक ट्रीटी की गई थी, जिस ट्रीटी का नाम आगे हम पढ़ेंगे, जोलोई नाम था उसका, जोलोई जो ट्रीटी थी वो की गई थी, और ये कस्टम टोल ट्रीटी थी। इसमें बताया गया था कि जो भी मतलब बताया जा रहा है जर्मन एम्पायर में जो भी एरिया जाते हैं, यानी कहने का मतलब इनिशियली आगे पढ़ेंगे अपन प्रसाई के बीच में, और स्वार्ट्सबर्ग, इन दोनों एक प्लेसेस थे जर्मन एम्पायर के, उनके बीच में ये हुई थी जो ट्रीटी। हालांकि इसको बाद में जितने भी जर्मन यूनियन थे उनके सभी जितने भी स्टेट है उन सभी के द्वारा इसको मतलब कैसे ज्वाइन कर लिया गया था। तो ये इस तरह की जो आपकी फीलिंग्स होती है, जो जोड़ रहे जो आपके कैसे ट्रीटी, इसने एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल की फीलिंग को इंक्रीज करने का। हालांकि कह सकते हैं इकोनॉमिक रीजन है ये, कोई सोशल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हुआ था, इकोनॉमिक लेवल पर रीजन इकोनॉमिक लेवल पे हुआ था ये। तो ये भी कैसे इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपका लाइबल में इस तरह की जो थिंकिंग लोगों तक पहुंचाई गई, इस तरह का आइडिया लोगों तक दिया गया, इस तरह की जो पॉलिसी को इंप्लीमेंटेड किया गया, जिसकी वजह से जर्मनी यानी पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको इंक्रीज किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे जैसे थर्ड नंबर, इंग्लैंड एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो बताया जा रहा है कि जिसमें दो हमें जो रिवॉल्यूशन मिले देखने मिलेगी, एक तो देखा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड और एक हमें मिलेगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये दोनों रिवॉल्यूशन ने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कहने का मतलब था जैसे कि आपके ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इसमें मिलेगी, इसमें जब ये रिवॉल्यूशन हुई थी तो इसमें पहले आप जानते हो इंग्लैंड के अंदर भी एक मोनार्की सिस्टम था। देखिए इस रिवॉल्यूशन के बाद में वहां पर एक जो कैसे रिपब्लिक मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। कहने का मतलब जो मोनार्की सिस्टम आप पहले पढ़ चुके हो, सारी सारी पावर होती एक इंडिविजुअल वन पर्सन में होती है, चाहे वो किंग हो सकता है वो क्वीन हो सकती है, उसके जो वर्ड्स होते हैं उनके जो भी आइडियाज और थिंकिंग होती है वही क्या होते हैं लो होते हैं। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन के बाद में जो मोनार्की सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिला था, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था, यानी जो किंग की जो पावर थी उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया, थोड़ा कम किया गया था। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ पर्टिकुलर राइट्स भी दिए गए थे पर्सन को, कुछ स्पेशल जो कह सकते हैं लो बनाने के लिए वहां पर कुछ पार्लियामेंट का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के थ्रू जो इंग्लैंड में थी इसके थ्रू बताया गया था कि कोई भी पर्टिकुलर जो आपके कह सकते हैं एडमिटेशन के अंदर, कहने का मतलब कोई भी जो हमारा एडमिटेशन होता है उसके एडमिटेशन के पास में एक सुपर ह्यूमन ऑथोरिटी नहीं होती है। कहने का मतलब एडमिटेशन में अगर मान लो किंग है तो किंग के पास इतनी पावर नहीं है या एक वो सुपर पावर नहीं है उसके पास में कि वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ चेंज कर सकता है, यानी वो भी किसी न किसी तरीके से क्या होता है बाउंड होता है। तो इस तरह की थिंकिंग हमें ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड से देखने को मिली थी। बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी मैंने बताया था जो 1789 में हुई थी, ध्यान रखना 1789 CE, और ये इंग्लैंड की हुई थी आपके 1688 CE। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर तीन तरह के स्लोगन दिए गए थे, यहाँ पर एक दिया गया था जैसे फ्रीडम, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी कह सकते हो या ब्रदरहुड कह सकते हो, तीनों चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो पर्सन थे या यूरोपियन पूरी कंट्रीज है उनके लोगों को एक मैसेज दिया गया था, एक नया आइडिया दिया गया था। तो वो आइडिया ये था कि भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास में इतना राइट नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के राइट को क्या कर सके, खत्म
कर सके, उसको एबोलिश कर सके। बल्कि ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट के पास में यानी गवर्नमेंट की ड्यूटीज है कि वो हर एक इंडिविजुअल है उनके राइट की प्रोटेक्शन उसको करनी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ फ्रीडम देनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें होती है जिससे कि मतलब बताया जा रहा है कि दोनों रिग्रेशंस है जिससे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो काफी इंस्पायर हुए थे, और इसी वजह से बताया जा रहा है नेक्स्ट लेवल की जो फीलिंग थी वो हमें ज्यादा हमें देखने को मिली थी। अगला पढ़ लेते हैं अपन न्यू ट्रेडिशन ऑफ 1815, इसको डेफिनेशन को रिमूव कर रहा हूं मैं। इसमें आप पढ़ेंगे यहां पर न्यू ट्रेडिशन, न्यू ट्रेडिशन आफ्टर 1815 सीई। ये भी आपके नेपोलियन से जुड़ा हुआ है। 1719 के अंदर नेपोलियन जब फ्रांस के रूलर बने थे तो उन्होंने उनका एक ही तारा करता है कि मतलब ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज या यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर अपना अपना कंट्रोल कर सके। तो बताया जा रहा है इसके लिए नेपोलियन ने यहाँ बताया जा रहा है एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम नाम की जो थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल जो आपके एक सिस्टम था उसका उन्होंने अडोप्ट किया था जिसमें वो पूरे वर्ल्ड का मतलब रूलर बनना चाह रहा था। तो जब 1815 के जब नेपोलियन का जो डोमिनेंस लगातार बढ़ता जा रहा था यानी काफी यूरोपियन कंट्रीज को उसने अपना रूल स्टेब्लिश कर लिया था, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जर्मनी भी आता है, ऑस्ट्रिया भी आता है, काफी पार्ट आता है इसके, तो यहाँ पर तीन आर्मीज थी खेलने का मतलब था। जैसे कि आपके एक तो हो गया प्रसिया हो गया, एक रसिया हो गया और एक ऑस्ट्रिया हो गया और एक हो गया आपके पास में ब्रिटेन। इन सभी की जॉइंट आर्मी ने, इन सभी ने जॉइंट आर्मी ने मिलकर किसको हरा दिया था, यहाँ पर फ्रांस को हरा दिया था। फ्रांस का मतलब नेपोलियन को हरा दिया था। इनका मतलब कि तीनों ने जॉइंट आर्मी थी, चार जो कंट्रीज हैं सभी ने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक किया, उसी तरीके से नेपोलियन यहाँ पर हार हुई थी। ये हुई थी कब, 1815 सी के अंदर, और 1815 के अंदर भी एक बताया जा रहा है 1815 के अंदर शायद 1815 में हुआ था सर आपके वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस है या स्पेलिंग थोड़ी डाउट थी, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस नाम के एक्चुअली कह सकते एग्रीमेंट हुआ था इन चारों कंट्रीज के बीच में। तो इनके एग्रीमेंट के पीछे पर्पज ये था कि जिस तरह से नेपोलियन ने मतलब कुछ रूल्स चेंज कर दिए थे, मतलब पहले जो मोनार्किक सिस्टम था उनको चेंज कर दिया था, उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, और जो जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं इसमें जो आपके अननेसेसरी फाउंडेशन या फिर मिडिल क्लास में था कि जिन लोगों के पास प्रिविलेज से बर्थ के बेस पर कि जन्म हुआ, जैसे अगर लैंडलॉर्ड, अगर लैंडलॉर्ड की फैमिली में कोई जन्म हुआ तो उसको ऑटोमेटिक राइट मिल गया, इस तरह के सिस्टम को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। लैंडलॉर्ड सिस्टम उसने खत्म कर दिया था, जो चर्च का इंटरफेयर था जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको उसने खत्म कर दिया था। तो इन चारों कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट के थ्रू जो आपके बताया डिसाइड किया कि जो तो जो ट्रेडिशन थे हमारे, जो पहले की जो भी चीजें थी कस्टम थे उनको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश की, ठीक है ना। और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का जो आपके जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताए जैसे कि एक तो लाइबरलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म, नेशनलिज्म या फिर आपके डेमोक्रेसी, इस तरह का कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर कभी भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इस वियना कांग्रेस एग्रीमेंट था इसको उन्होंने साइन किया था। और इसके ये एक इसकी वजह से बताया जा रखा है कि काफी जगह मतलब हमें यहाँ पर चीज देखने को मिलती है कि जैसे कि अगले टाइमिंग के अंदर या मतलब फ्यूचर में इस तरह का कुछ हमारे पास में कुछ जो कह सकते हैं इस तरह की कंडीशंस नहीं है। तो एक नए ट्रेडिशन इस तरह से हमें देखने को मिला था कि इस टाइमिंग 1719 से पहले अलग ट्रेडिशन था और यहाँ से अलग ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन इस तरह का इम्प्लीमेंटेड किया गया था जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों के अंदर कि नेपोलियन के टाइम में काफी लोग खुश भी थे, ऐसी बात नहीं है कि उसने अच्छे रिफॉर्म्स भी किए थे, लेकिन इनके जो रेस्ट्रिक्शन के थ्रू बताया जा रहा है वापस से जो लोग थे वो अगेंस्ट हो गए थे यहाँ के सिस्टम के अगेंस्ट। और बताया जा रहा है कि हालांकि हम कह सकते हैं कि जो वियना कांग्रेस हुआ था उसके अगले 100 ईयर्स के बाद में यानी 1815 में हुआ था, इसके 100 ईयर्स यानी 100 ईयर्स के बाद में क्या हो गया था कि जो इसके जो एग्रीमेंट था एग्रीमेंट्स क्या हो गया था, फेल हो गया था, यानी कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल पाया, सभी ने अपना सेल्फ सोल स्टेब्लिश किया, इसके वजह से ये जो ट्रेडिशन था वो अगले 100 ईयर्स का देखिए अगर खत्म हो गया था। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे आपके नंबर 5th, भाई एक और क्या तो हमेशा हमें पता है कि रिवोल्यूशनरीज थे वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे भी एक रिवोल्यूशनरीज का रोल आएगा।
उस समय के टाइमिंग में ऐसा बताया जाता है कि जैसे कुछ रिवोल्यूशनरीज ने वो जिस ट्रेडिशन जो से ये 1815 में एक ट्रेडिशन आया था जिसमें मतलब रिवोल्यूशनरी को टारगेट किया गया था, तो काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरीज ने वो अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो चुके थे, यानी कहने का मतलब कहीं जाके छुप गए थे, इसके बाद बैक हो गए थे। हालांकि उन्होंने अंडरग्राउंड रहते हुए या सीक्रेटली मतलब काफी ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूशन है या कुछ जो नेशनल लेवल के कुछ मूवमेंट है सीक्रेटली मतलब उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह के जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल एजेंट को इंक्रीज करते हैं उनको उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि कोई भी अगर हमें यानी इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल लड़ रहे हैं स्ट्रगल के लिए फाइट कर रहे हैं हमें नेशनलिज्म या फ्रीडम मिलने चाहिए हमें राइट्स मिलने चाहिए तो उसके लिए ये मूवमेंट करना बहुत जरूरी है, यानी एक नेशनल लेवल पर कुछ मूवमेंट या कुछ एसोसिएशन बनाना इंस्टीट्यूशन बनाना जहाँ को अपनी बात को बता सके लोगों तक कॉमन लोगों तक पहुंचा सके तो उसके लिए बहुत उन्होंने नेसेसरी माना था। तो काफी सारे रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू किया ठीक है ना। अब रिवोल्यूशनरीज का एक्चुअल लाइफ में मिस करते हैं, मतलब रिवोल्यूशनरी का मीन्स क्या समझेंगे हम, रिवोल्यूशनरी है क्या, उस समय कैटेगरी में रिवोल्यूशनरीज क्या थे, क्योंकि ना तो वहाँ कोई कॉलोनियल इंपैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ के कंट्री के लोग ही वो उसी वहाँ के कंट्री के लोग उन्हीं के लोगों को रिवोल्यूशनरीज किस तरह से कह रहे हैं। तो रिवोल्यूशनरीज का मीन्स कह सकते हैं वो लोग होते हैं जो एक तो मोनार्की सिस्टम होता है या मोनार्की से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका अपोज करते थे और साथ साथ में डेमोक्रेसी क्या करते थे वो सपोर्ट करते थे, फ्रीडम को इक्वलिटी को सपोर्ट करते थे, तो उन्हीं लोगों को रिवोल्यूशनरी कैटेगरी में डाला गया था। इसके बाद में जो हमारा जो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास में कि जो लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर कह सकते हैं अपन यहाँ पर ये सिस्टम हमें देखने को मिला था, तो उस टॉपिक के अंदर बात करें तो सिक्स नंबर ये दे रखा है आपके, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं जनरल लेवल पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी जिन्होंने एक अपना रोल प्ले किया था इम्पोर्टेंट रोल नेशनल लेवल के अंदर, तो वो आता है अगला लैंग्वेज एंड सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड फोक टेल्स, यानी मतलब लैंग्वेज का जो भी फोक टेल्स है मतलब कह सकते हैं वहां के आर्ट का लोकल कह सकते हैं कुछ लिटरेचर का इनका भी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो आपको मालूम है कि जैसे लैंग्वेज होती है वो भी एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी जगह के अंदर कुछ चेंजेस करने के अंदर, तो बताया जाएगा चाहे इसमें लैंग्वेज हो गया चाहे लिटरेचर हो गया चाहे आर्ट होगी चाहे स्टोरीज होगी है ना, तो इन्होंने भी क्या करा सॉन्ग हो गए कुछ है ना नेशनलिज्म सॉन्ग हो गए, तो इन्होंने भी एक अपना रोल प्ले किया था नेशनलिज्म को इंक्रीज करने का। और बताया जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा ऐसे पर्सन थे काफी जैसे रिवोल्यूशनरीज थे या कुछ पोइट कह सकते हो, उन्होंने लोकल लैंग्वेज के अंदर यानी अपने जो आइडियाज अपने थॉट्स होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाया, उस लोगों तक उस अपने आइडिया थॉट को पहुंचाने के लिए उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज है या लोकल जो आप कह सकते जो ट्रेडिशन है उनके थ्रू उन्होंने वहाँ से वहाँ के लोगों को कम्युनिकेशन किया और कम्युनिकेशन करते हुए उन्होंने उस चीज़ को आगे पहुँचाया। तो हमें मालूम है कि जैसे कोई भी अगर हमें जब कोई भी चीज़ समझाई जाती है तो हमें जिस लैंग्वेज में कोई चीज़ समझ में आती है तो वो चीज़ क्या होती है हमारे लिए जल्दी से क्या होती है उसको अपन कैप्चर कर लेते हैं। तो वहाँ के जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज यूज होती है उस लोकल लैंग्वेज में मतलब लोगों तक इस तरह के मैसेज पहुँचाने का काम किया था, उसके अंदर लैंग्वेज का जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि एक पोलैंड नाम का एक कंट्री था जो रशिया के बिल्कुल पास में था, दो के पोलैंड और रशिया की बात करें अपन तो रशिया ने क्या हुआ कि पोलैंड को अपना डोमिनेंस कर लिया था, कहने का मतलब इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, कंट्रोल रशिया ने पोलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो बताया जाएगा जो पोलैंड की जो लैंग्वेज थी पोलिश लैंग्वेज हुआ करती थी, यहाँ पर लैंग्वेज थी पोलिश लैंग्वेज हुआ करती थी, तो जितने भी आपके यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस थे यहाँ पर पोलैंड के वहाँ पर सारे स्कूल कॉलेज में जबरदस्ती बताया जाएगा फोर्सफुली कह सकते हैं रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था और पोलिश लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया गया था। तो ये एक कह सकते हैं कि इन्होंने अपना एक रोल प्ले किया, रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं इट मीन्स ये रशिया का एम्पायर है रशिया के डोमिनेंस में आता है, तो बताया जाएगा कि हालांकि पोलैंड के थ्रू मतलब है कि जो रिवोल्यूशन की गई थी रशिया के अकॉर्डिंग रशिया के अगेंस्ट सॉरी तो उसको अगर खत्म कर दिया गया था, लेकिन बताया जाएगा उसके बावजूद भी कंटिन्यू जो पोलैंड के प्रीस्ट हुआ करते थे
है ना, तो पॉलिन के प्रिस्ट है वो ज्यादातर पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, चाहे चर्च के अंदर हो या कोई भी रिलीजियस जो मतलब इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर वो पोलिश लैंग्वेज का यूज ही करते थे, बार बार लगातार। और बताया जाए कुछ टाइम के आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो पोलिश लैंग्वेज थी वो एक सिंबल बन गई थी पोलैंड के लिए नेशनल की फीलिंग को इंक्रीज करने की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि ये सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन थी या नेशनल रीजन थी उसकी जो फीलिंग थी वो हमें देखने को मिली थी। आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, ये हो गया। इसके बाद में हम आगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, उसके फोर्सेस पढ़े, आगे वाला टॉपिक है वो अपना आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा आगे वाला टॉपिक आता है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं इंडस्ट्रियल क्या है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर समझने पहले इंडस्ट्री इंडस्ट्री से मिलकर बना हुआ है, और रिवॉल्यूशन का मीन्स हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन होती क्या है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो पड़ेगा बेसिक चेंजेस, यानी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो भी चेंजेस कैसे होते हैं। तो इंडस्ट्री का मीन्स समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री एक सर एक यूनिट होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है आपके फिनिश्ड मटेरियल के अंदर। यानी हमारे पास में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को किसी हमें यूनिट के अंदर क्या करेंगे उसमें हम भेजेंगे, और यूनिट क्या करेगा उसको फिनिश मटेरियल में चेंज करेगा। तो वो जो भी ऐसा यूनिट होता है वो अपनी इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे सुगर अपने पास रॉ मटेरियल है उसको अपन इंडस्ट्री में किसी यूनिट में फैक्ट्री प्लेस में भेजा, तो उसने भी क्या किया उसको चेंजेस कर दिया, और चेंजेस करने के बाद उसको किसने सुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपके यहाँ पर इंडस्ट्री हो जाएगी। और रिवोल्यूशन का मतलब अपन कह सकते हैं एक कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यहाँ पर एक बिग चेंज होता है, बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है वो रिवॉल्यूशन के माध्यम से। छोटा बड़ा चेंज ये होता है, बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है वो रिवॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके बाद हम डेफिनेशन के, तो एक बेसिक चेंज कहने का मतलब अपने पास में एक बेसिक चेंज कर रहे हैं अपन, किसमें कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, कहने का मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपन कैसे पहुंचा था। तो एक बेसिक चेंज हुआ था किसके अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसमें क्या हुआ पीपल लोगों ने क्या हुआ भाई पीपल लेफ्ट, लोगों ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड कॉटेज ऑक्यूपेशन, जो पुराने हमारे पास में जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है हमारे पास में जिसको उन्होंने क्या कर दिया लेफ्ट कर दिया, और जो न्यूली स्टेब्लिश इंडस्ट्रीज थी वहां उन्होंने क्या वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये सारा जो आता है आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कैटेगरीज के अंदर आता है। सबसे पहले फर्स्टली देखा जाए तो इस तरह का सर्कमस्टेंसेस इसने देखा भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोग पहले एग्रीकल्चर कर रहे थे इंडस्ट्री कर रहे थे, वो साइड लोग वहां से हट रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके क्या हो रहा है इकट्ठा हो रहे, तो ये क्या चीज हो रही है भाई इसको क्या चीज कहेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्टली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वर्ड जो ये वर्ड जो अभी एक वर्ड है इस तरह कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो आपके जॉर्गिस मिसले जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, कैड्रिक एंजम जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस को पूरे को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से नॉर्मली हर एक जगह अलग अलग होती है, जैसे कि अपने इंडिया में भी इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंडिया में जैसे आयरन पिलर है ये जो हमने राम सेतु बनाया हुआ है, या फिर हमने क्रॉप जो रोटेशन या क्रॉप मिक्स मिक्स क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल जो आपके कह सकते हैं एग्जाम्पल हमने पहले दिया, तो इंडिया में भी ये चीज पहले से देखने को मिलती थी, लेकिन ठीक है आगे वो फॉरवर्ड नहीं हो पाए, वो नई चीजें पहले से इंडिया में भी देखने को मिल सकती थी। अब देख लेते हैं ये तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अपने से नाम से आपको काफी चीजें तो आपको डेफिनेशन से मिल जाएगी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें हमें वहां पर देखने को या क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिला था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन की जो चेंजेस हुए थे इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन वजह से जो चेंजेस हुए थे उसके अंदर हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि जो प्रोडक्शन जो हैंडमेड हुआ करता था हैंडमेड वो अब किससे होने लग गया, प्रोडक्शन आपके पास में मशीन से है। कहने का मतलब जो पहले जो प्रोडक्शन था हमारे पास में ज्यादा का जो मोस्टली प्रोडक्शन था वो हैंडमेड हुआ करता था, मैनुअली हुआ करता था, हाथों से अपन उसको करते थे, अब वो किससे होने लग गया था यहाँ पर मशीन से होने
लग गया था, ये पहला आपके चेंजेस, क्योंकि इससे देख लो लार्ज स्केल में जब इंडस्ट्री रन होगी तो इट मीन वहां पर मशीनें चलेगी, मशीनों से वर्क होगा। तो पहला एग्जांपल ये अपन कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन जो वर्क था वो अर्लियर शुरुआत में बाय हैंड हुआ करता था, अब वो प्रोडक्शन वर्क के अब मशीनों से होना लग गया था, जो आपके अलग अलग पावर पर रन हुआ करती थी। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं कि जैसे कि मशीनें बनेंगी तो मशीनों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मशीनें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, मशीनें बनानी पड़ेगी। तो मशीनें किससे बनेगी, आयरन से और स्टील से। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड के अंदर जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई थी, डिमांड इंक्रीज किस किस की डिमांड भाई, आयरन की और स्टील की। सेकंड में अपन कह सकते हैं कि आयरन की और जो स्टील की डिमांड थी वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि जब भी मशीनें चलानी होती है तो मशीनें बनाने के लिए हमें आयरन और स्टील की नीड थी। तो नीड जब बनेगी, जब ज्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आयरन और स्टील है उसकी डिमांड यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली थी। इसके अलावा हम अगला पढ़ सकते हैं कि जैसे कि जो स्मॉल फार्मिंग, स्मॉल जो आपके फार्मिंग है वो कन्वर्ट हो गया किसमें हो गई थी, लार्ज फार्मिंग के अंदर। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे किस तरह से, कि जैसे ही बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल जो आपके इक्विपमेंट पर ज्यादा नॉर्मल थे, जैसे कि जो हैंड से चलाया करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग सेक्टर के अंदर वो चेंजेस देखने को मिला, जैसे हार्वेस्ट हो गया, कल्टीवेटर हो गया, सीडिल हो गया, इनका यूज एग्रीकल्चर जो आपके फील्ड में करने लगे थे। कहने का मतलब है जो भी मॉडर्न जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उनका यूज हमने एग्रीकल्चर में करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से जो स्मॉल फार्मिंग के छोटे एरिया में फार्मिंग करते थे, वो फार्मिंग है वो लार्ज एरिया के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो गई थी। एक तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, ग्रेन्स की डिमांड यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा बढ़ रहा था, इसी वजह से जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने स्मॉल एरिया को कन्वर्ट कर लिया था बिग एरियाज के अंदर। अगला पढ़ेंगे जैसे कि अब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले भी हमारे पास में स्मॉल फार्मिंग थी, स्मॉल एरिया था, पैसा कम था हमारे पास, हाथों से काम करते थे तो उससे पैसा कम मिलता था, लेकिन जब इंडस्ट्री आई तो बताया जा रहा है कि जो मनी था उसका यूज बढ़ा, और मनी का जब यूज बढ़ा तो एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ था जिसको अपन बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। कहने का मतलब जब मनी का यूज ज्यादा बढ़ने लग गया तो पैसा ज्यादा बढ़ेगा, तो लोन की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमें पैसा डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक बैंकिंग सिस्टम था, इसलिए यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिला था। और बताया जा रहा है जो अगला टॉपिक है वो बताया जा रहा है कि जो इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का, कहने का मतलब स्टीम इंजन का इन्वेंशन कह सकते हो या कोई मैकेनाइज्ड शिप कह सकते हो, शिप का भी इन्वेंशन हुआ था क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था। तो चाहे आपके स्टीम इंजन का स्टीम इंजन है, ये हो गया आपके स्ट्रीम इंजन और मैकेनाइज्ड जो शिप थी, इनका इन्वेंशन होने से क्या हुआ, इनका इन्वेंशन होने से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसके अंदर एक रिवोल्यूशन हमें देखने को मिली थी, कि पहले हमारे पास में एक ही वे था कि भाई हमें तो क्या करना है, रोड से जाना है, लेकिन जैसे मैकेनाइज्ड शिप का इन्वेंशन हुआ तो हमने रोड जो ट्रांसपोर्ट के अलावा हमने जो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। आप जानते हो कि जितने भी हैवी गुड्स हैवी मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का सबसे जो चीफ होता है, सबसे जो एक सस्ता होता है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपके ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट को ही माना जाता है। तो भी एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें एक रेगुलेशन देखने को मिली थी। अगला दे रखा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड था, कहने का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो आपके ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, यहाँ पर ध्यान रखना ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज्ड, कहने का मतलब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में काम नहीं था, अभी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा हमारे पास, ज्यादा सामान हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे को सेल करना पड़ेगा, कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम पहले ही प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें कहीं सेल करना पड़ेगा उसको, या कहीं से रॉ मटेरियल की भी नीड होगी। तो इसके लिए बताया जा रहा है इंटरनेशनल जो ट्रेड था उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके जो ट्रेड यूनियन थी उनका फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया था। और जो सेवन नंबर है आपके समझ सकते हो कि आपके लेस लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन, इस तरह के यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्या क्या कहते हैं यहाँ पर एडॉप्ट किया गया था, भाई लेस तो हमें लेबर तो लेस करनी है, हमें कम से कम काम करना है, लेकिन जो प्रोडक्शन है हमें वो क्या देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा
होना चाहिए, यानी प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, काम हमारे पास में कम होना चाहिए, यानी का मतलब टाइम कम लेके इस चीज को, लेकिन जो बेनिफिट्स है प्रोडक्शन में हमारे पास में ज्यादा होना चाहिए। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे बताया जा रहा है, एडॉप्टेड किया गया था। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हमें चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। ये बेसिक चेंजेस हैं जो इंडस्ट्री रेगुलेशन है उसके बाद में हमें देखने को मिले थे। इसके बाद में जो अगला आपके आ जाता है वो आपके देख सकते हो आप। इंडस्ट्री रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले इंडस्ट्री रेगुलेशन हुआ कहाँ था भी? सबसे पहले जो फर्स्ट जो कह सकते हो आपने जो फर्स्ट इंडस्ट्री रेगुलेशन है इसको देखिए, फर्स्ट इंग्लिश थोड़ा इसको अपन नॉर्मल देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इंडस्ट्री रेगुलेशन है वो हमें इंग्लैंड में देखने को मिली थी। सबसे जो फर्स्ट इंडस्ट्री रेगुलेशन है वो एक्चुअल में काम आता है पूछ लेते तो एक नंबर के क्वेश्चन से या एक नॉलेज के लिए कि इंग्लैंड में भी देखने को मिली थी। और इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री रेगुलेशन सबसे पहले क्यों हुई थी उसके पीछे बहुत सारे यहाँ पर रीजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन चेक कॉलोनियल एम्पायर की बात करें कि इंग्लैंड का बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था, या अपन कह सकते हैं कि इंग्लैंड के आसपास नेबरहुड एरिया में जो आयरन था और स्टील क्वांटिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, उस इंग्लैंड के पास में सेमी स्किल्ड जो कह सकते हैं लेबर थे उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा थी। इसके बाद में इंग्लैंड के पास में ह्यूज कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल भी देखने को मिल गई थी, या इंग्लैंड में इससे पहले इंडस्ट्री रिलेशन देखने को मिल गया था, या एक साइंटिफिक जो इन्वेंशन है वो भी हमें बहुत ज्यादा इंग्लैंड के अंदर देखने को मिले थे। इसके बाद में जो फ्रेंच जो जो रिवोल्यूशन वगैरह वगैरह जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन है, नेपोलियन वॉर, तो उन्होंने भी एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। ये सारी चीजें होती है अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।